हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और मज़े में होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेकर फिर हाजिर हो गई हूँ, जो है काले चने चना चाट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। सो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके मेथड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ माई कुकिंग। सो लेट्स सी। सो जी व्यूअर्स, ये देखिएगा, छोलों के लिए हमने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और ये मेरे पास, इसके लिए मैंने प्याज और हरी मिर्चें हैं, ठीक है, दो से तीन हरी मिर्चें ली थी मैंने। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइस पसंद है, ठीक है, आप उतनी इसके अंदर मिर्चें ऐड कर सकते हैं। सो इसके अंदर मैंने जो है वो एक बड़ी प्याज ली थी, ठीक है, और ये 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है, और इस सबको मैंने चॉप कर लिया है। और अब ये इसके अंदर मैं ऑयल में शामिल करने लगी हूँ। सो मेरे पास ये 1 पाव से 1.5 पाव तकरीबन काले छोले, ठीक है, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। और ये मेरे पास 3 अदर टमाटर्स हैं, ये भी इसमें ऐड होंगे। और प्याज और मिर्चों को जो है हमें हल्का सा सौते करना है, बस इसको कलर नहीं देना है। और इसी स्टेज पर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है, ठीक है। अफ्तार का टाइम जो है बस वो होने वाला है, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ साथ, तो बस जल्दी जल्दी ये झटपट देखिएगा, बन जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी ये जो है वो रेडी होते हैं, उन वाले छोलों से ज़्यादा ये, जैसे जो हम सफ़ेद चना चाट बनाते हैं, ठीक है, वाइट वाले छोलों की, उससे ज़्यादा जल्दी ये झटपट है और बहुत ही टेस्टी है। सो ये देखिएगा, ज़ीरा और प्याज को मैं अच्छी तरह सॉटे कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, इसमें अब मैंने छोले भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिए थे, बॉयल्ड जो मेरे पास छोले थे, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्ट एज पर नीड जाएगा। सॉल्ट ऐड करने के बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी दिखाए थे 3 अदर टमाटो, वो ऐड करूँगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखिएगा, इसके अंदर मैंने 1 पिंच अजवाइन डाल दिया, ठीक है, और जो है मैंने एज पर नीड सॉल्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी। और टमाटोज मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में मेंशन कर दिए थे, ठीक है, 3 अदर टमाटोज थे मेरे पास छोटे वाले, तो मैंने वो ऐड कर दिए थे। और अब मैं इसको भून लूँगी ताकि टमाटोज जो है सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। जी व्यूअर्स, अब देखिएगा, मैंने इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, ठीक है, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली, ठीक है, रेड चिली पाउडर। तो अब इसको अच्छी तरह से बस भून लेंगे, टाइम भी कम है। तो फ्रीजर में, और ये मैं आपको मेंशन कर दूँगी, मेरे पास इमली है, ठीक है, इमली का पल्प है जो भीगा हुआ था, इसके अंदर मैं हाफ कप ले रही हूँ, ठीक है। तो हाफ कप मैंने ये इमली का पल्प ले लिया है, और बस अब हम इसी अच्छी तरह से इसके साथ खूब जो है इसके साथ फुल फ्लेम पे जो है इसको भूनेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से ये जो है वो छोले तैयार हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इसको इतना हमें इसको करना है कि इसका जितना भी पानी है इमली का, जो अभी हमने डाला है इमली का पल्प, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है, भुन जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट कर। जी बस ये देखिएगा, अभी रेडी है, और मैं इसको अब डिश आउट करने लगी हूँ। देखिएगा, अब बस डिश आउट के टाइम में इसके अंदर ये मेरे पास दही बड़ा मसाला है, ठीक है, होममेड है जो कि मेरा, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये मेरे पास चाट मसाला है, ठीक है, चाट मसाला डाल देते हैं, और अब ये रेडी है, ठीक है। सो आज की रेसिपी यहीं पर डन होती है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और बहुत ही मज़ेदार से ये, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही हेल्पफुल हैं, ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसका। प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
एंड बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही अक्सा को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।